अमेरिका में आज होगा राष्ट्रपति चुनाव। डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। आज अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के लिए होगा चुनाव। शाम 4:30 बजे से 6 नवंबर को सुबह 6:30 बजे तक होगा मतदान। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने 7 स्विंग स्टेट को साधने में लगाया पूरा जोर। ये वे राज्य हैं जहां चुनाव परिणाम अनिश्चित हैं। अमेरिकी चुनाव पर अमेरिका में एग्जिट पोल्स 6 नवंबर को भारतीय समय के मुताबिक अगले सुबह से ही शुरू। ईरान ने ट्रंप और हैरिस दोनों को बताया बेकार। तमिलनाडु के तिरुवरूर में कमला हैरिस के पैतृक गांव में उनकी जीत के लिए मंदिर में हुई खास पूजा। लोगों ने भगवान से की उनकी जीत की कामना। कनाडा में मंदिरों पर हमले पर मोदी सरकार ने अपनाया सरकार का सख्त रुख। कहा, ऐसे लोगों को पनाह ना दे कनाडा का ट्रूडो सरकार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, राजनयिकों को डराने की कोशिश भयावह। भारतीय विदेश मंत्री अजय शंकर ने भी कनाडा पर जताया कड़ा ऐतराज। कहा, कनाडा में चरमपंथियों को दी जा रही सियासत में जगह। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले के खिलाफ निकाला शांति मार्च। लगे जय श्री राम के नारे। कनाडा में भारतीयों के प्रदर्शन में बड़ी तादाद में लोग शामिल। हनुमान चालीसा का किया गया पाठ। यूपी के मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को दी मान्यता। उत्तर प्रदेश में मदरसा एक्ट संवैधानिक तौर पर सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट का निर्णय उचित नहीं था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिया फैसला। हाई कोर्ट के फैसले को बताया गलत। निजी संपत्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। प्राइवेट प्रॉपर्टी को अधिग्रहित करने के सरकार के अधिकार को किया खारिज। बहुमत से न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का फैसला किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुराना आदेश एक विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। नितिन गडकरी ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, संविधान की सबसे ज्यादा किसी ने धज्जियां उड़ाई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। संविधान की धज्जियां उड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई और इमरजेंसी के समय अनेक बार घटना को तोड़ने का काम अगर पाप किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। नितिन गडकरी ने कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। अंधेरी रात में दिया मेरे हाथ में चुनाव चिन्ह, घंटा बजाओ कुछ नहीं मिला। नितिन गडकरी ने ठेकेदारों को भी दी धमकी। कहा, उन्होंने क्या किया बताओ ना। इन नेताओं को गडकरी ने कहा, ठेकेदारों को धमकी देते हुए कहा कि सड़क पर यदि गड्ढे पड़े तो ठेकेदारों के शरीर पर उतने ही गड्ढे पड़ेंगे, उनकी धुलाई भी होगी। तो मैंने ये उनको बताया था कि तुम्हारे गड्ढे पड़े कि तुम्हारे शरीर पर भी गड्ढे पड़ेंगे, याद रखना धुलाई करूंगा। हरियाणा के अंबाला पहुंचे ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने प्रशासन पर लगाया चुनाव हरवाने की साजिश रचने का आरोप। कहा, चुनाव में उन्हें हरवाने के लिए साजिश रची गई थी, प्रशासन उन्हें हरवाना चाहता था। ये पुलिस प्रशासन सारा इसी कोशिश में लगा हुआ था कि अनिल विज हारे। अनिल विज ने प्रशासन पर लगाया हत्या की साजिश की प्लानिंग का भी आरोप। कहा, चुनाव में खून खराबा करने और उनकी हत्या की साजिश की प्लानिंग हुई थी। अनिल विज ने चुनाव में साथ ना देने वालों को गद्दार बताया। कांग्रेस के लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, मैंने सबको इन्फॉर्म किया लेकिन पुलिस का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया और मेरे कार्यकर्ता 85 साल के बुजुर्ग, उन्होंने मेरे लिए रास्ता बनाया। अगर किसी को कुछ हो जाता तो हम तो ये अब उत्तर प्रदेश की सरकार खुद तय करेगी अपना राज्य का नया डीजीपी। नई व्यवस्था को कैबिनेट की मंजूरी। यूपीएससी को नहीं भेजेंगे पैनल। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी आखिरी फैसला।
पिछले ढाई साल से यूपी चला रहा था कार्यवाहक डीजीपी का काम, अब नई कमेटी करेगी स्थायी डीजीपी का फैसला। नई व्यवस्था में डीजीपी का कार्यकाल होगा 2 साल, कमेटी में यूपीएससी से भी होगा मेंबर। नई प्रणाली पर अखिलेश यादव का तंज, लिखा बड़े अफसर को स्थायी पद देने की व्यवस्था बन रही है, सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर हवा की गुणवत्ता हुई बदतर, बहुत खराब से खतरनाक श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली के कई इलाकों में भी बढ़ा प्रदूषण, आनंद विहार में 457 पहुंचा AQI। वजीरपुर, अशोकनगर, द्वारका, पंजाबीबाग और बवाना में 400 के पार पहुंचा AQI, प्रशासन ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से बढ़ा वायु प्रदूषण, कई इलाकों में किया जा रहा पानी का छिड़काव। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, चुरुवा मंदिर में की पूजा अर्चना, कई योजनाओं का किया उद्घाटन। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, राहुल डोर टू डोर कास्ट सर्वे को लेकर करेंगे बैठक। सलमान खान को फिर से मिली मारने की धमकी, कल भी आया था धमकी भरा मैसेज। मैसेज भेजने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस का भाई, कहा सलमान जोधपुर के विश्नोई मंदिर में जाकर माफी मांगे या फिर दे 5 करोड़ रुपए। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को मिला मैसेज, जांच में जुटी पुलिस। आज से भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत, नहाए खाए के साथ व्रत का शुभारंभ, 4 दिनों तक चलेगा त्योहार, शहर शहर शानदार तैयारी। 4 दिवसीय त्योहार में 36 घंटे का कठोर उपवास का भी आरंभ, शुद्धता पवित्रता का प्रतीक माना जाता है महापर्व छठ। महापर्व छठ को लेकर दिख रहा है गजब का उत्साह, पटना से लेकर लखनऊ और मुंबई से लेकर दिल्ली तक दिख रही छठ की छटा। ब्यास से लेकर दिल्ली और मुंबई तक छठ के लिए सजाए जा रहे हैं तालाब और घाट, पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। दिल्ली में भी छठ पर्व की धूम, पहले दिन श्रद्धालुओं ने प्रदूषण के बीच यमुना में लगाई आस्था की डुबकी। पटना में भी छठ महापर्व की धूम, छठ पर्व के पहले दिन महिलाओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। पटना में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन की खास तैयारी, 6,000 पुलिस बल को किया गया तैनात। पटना की कई सड़कों पर ट्रैफिक रूट में भी किया गया बदलाव, कई सड़कें की गई बंद, 1,000 मजिस्ट्रेट किए गए तैनात। पटना में 7 नवंबर की शाम और 8 नवंबर की सुबह अटल पथ और गंगा पथ पर वाहनों का संचालन रहेगा बंद। मुंगेर के गंगा घाटों पर छठ महापर्व को लेकर गंगा स्नान को उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, जमुई और लखीसराय जिले से गंगा स्नान करने आई छठ व्रती महिलाएं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने देशवासियों को दी छठ पर्व की बधाई, साथ ही इंतजामों पर रख रहे मुख्यमंत्री नजर। पटना के दीघा घाट पर छठ पूजा की तैयारी का सीएम ने लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। वाराणसी में गंगा घाट पर हुई अर्घ्य देने की तैयारी, नदी के पानी को भी मशीन से किया गया साफ, बाजारों में दिख रही मां पर्व की रौनक। प्रयागराज में भी छठ महापर्व की धूम, नदी के किनारे त्यौहार मनाने के लिए किए जा रहे उत्तम व्यवस्था। आरा में रेलवे स्टेशन पर लगी यात्रियों की भीड़, महापर्व के लिए घर जाने वाले उत्सुक दिखे लोग। रायपुर में राज्योत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। वडोदरा में यूनिक रंगोली प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, प्रदर्शनी में लोगों ने देखी एक से बढ़कर चित्रकलाएं। भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र वाली तस्वीर समेत कई तस्वीरें बनी आकर्षण का केंद्र, बताई गई तस्वीरों के पीछे की कहानियां। चेन्नई में आयोजित कई कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम एमके स्टालिन, सीएम ने महिला कर्मचारियों से की बातचीत और खिंचवाई फोटो। सीएम स्टालिन ने कई योजनाओं की विधि स्वागत किया शिलान्यास।
औरंगाबाद में सिंगर पवन सिंह ने सूर्य मंदिर में किया दर्शन पूजन, अपने पसंदीदा सिंगर को देख उत्साहित दिखे फैंस। पंचमहल में फूलों की खेती ने बदली किसान की किस्मत, पारंपरिक खेती छोड़ शुरू की गेंदे की फूलों की खेती, हो रही बंपर खेती। इंदौर में लोगों को मिल रहा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ, घरों में लगातार लग रहे सोलर पैनल। तमिलनाडु के तिरुवरूर में कमला हैरिस के पैतृक गांव में उनकी जीत के लिए हुई मंदिर में पूजा अर्चना, लोगों ने भगवान से की उनकी जीत की कामना। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम हुआ पूरा, दो जगहों पर बचा हुआ काम भी जल्द होगा पूरा। उज्जैन में राजा बाबा महाकाल ने किया नगर भ्रमण, भक्तों ने अपने आराध्य का किया जोरदार स्वागत, राजा महाकाल ने अपनी प्रजा का जाना हाल। नालंदा पहुंची एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी गौरव यात्रा, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने किया भव्य स्वागत, सभी ने ट्रॉफी उठाकर खिंचवाई तस्वीरें। कई देशों की हॉकी टीम पहुंची गया, जिला प्रशासन और बाल लामाओं ने किया भव्य स्वागत, वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में लेंगी हिस्सा। भीलवाड़ा में दीपावली के बाद पशुओं को रोग मुक्ति की कामना और बैलों के शक्ति प्रदर्शन की है परंपरा, बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने परंपरा में लिया हिस्सा। दरभंगा में नदी में तैरता देखा विशाल मगरमच्छ, वन विभाग की टीम मगरमच्छ की कर रही तलाश, इसी नदी में मनाया जाएगा छठ महापर्व। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। सूरत में भी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक घर में लाखों रुपए की चोरी करने वाले तीन चोर गिरफ्तार। अमृतसर रूरल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तीन तस्कर गिरफ्तार, उनके पास से बरामद हुई 3 किलो हेरोइन। धार मनावर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। कानपुर में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। फिल्म बेबी जॉन का टीजर रिलीज, जबरदस्त एक्शन करते देखे वरुण धवन, विलन के किरदार में जैकी श्रॉफ काफी भयानक लगे, 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म दायरा करीना कपूर के साथ फिल्म नजर आएंगे साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन, मेघना गुलजार करेंगी डायरेक्ट। 7 नवंबर से फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग होगी शुरू, फिल्म में विकी कौशल और आलिया भट्ट आएंगे नजर, 20 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सनी लियोनी और डैनियल बेबर ने दूसरी बार रचाई शादी, बच्चों के सामने दोहराई जीने मरने की कसमें। झारखंड से मुंबई पहुंचा शाहरुख का प्रशंसक, 95 दिन के इंतजार के बाद शाहरुख से हुई मुलाकात।